इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आज हम बात करेंगे सीएचयू में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में, प्रीवियस ईयर पूछे गए सीएचयू के एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो आज हम टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि अगर आप भी सीएचयू एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कुछ हद तक आइडिया लग जाए कि सीएचयू के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम 100 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको टोटल 100 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए, और साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बनी रही हमारे साथ अंत तक, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आज हम कुछ नया सीख कर जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो मिडवाइफरी एंड ओबस्टेट्रिकल नर्सिंग से है। पहला क्वेश्चन है, उगोनिया है 46 क्रोमोसोम्स, 48 क्रोमोसोम्स, 24 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ए, 46 क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूटरस इज कॉल्ड। यूटरस की इनर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है एंडोमेट्रियम। यूटरस की इनर मोस्ट लेयर को हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर? गोल्डन कलर, ब्राउनिश कलर, ग्रीनिश कलर एंड पेल स्ट्रॉ कलर। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पेल स्ट्रॉ कलर, इज़ अ डी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द डिनोमिनेटर इन फेस प्रेजेंटेशन इज एक्रोमियम प्रोसेस, ऑक्सीपुट, मेंटम एंड सैक्रम। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो है मेंटम, सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज ड्यू टू द हीमोकंसंट्रेशन एंड निगेटिव आयरन बैलेंस एंड हीमोडायलेशन एंड निगेटिव आयरन बैलेंस एंड हीमोडायलेशन एंड पॉजिटिव आयरन बैलेंस एंड हीमोकंसंट्रेशन एंड पॉजिटिव आयरन बैलेंस। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है बी, हीमोडायलेशन एंड निगेटिव आयरन बैलेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द बम्प ऑन द हेड ऑफ द न्यू बर्न। इस इमेज को पहचान के बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा आंसर करेक्ट है। एक्सेसिव मॉल्डिंग, फ्रैक्चर ऑफ स्कल, ऑक्सीपुट सक्सीडिनम, कैपुट सक्सीडिनम एंड सीफेलोहीमोटोमा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, सीफेलोहीमोटोमा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सकलिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बाई अ न्यू बर्न इज एसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग द बॉन्डिंग बिटवीन द मदर एंड बेबी, मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कार्डियो लैक्टेशन, फीलिंग ऑफ सेफ्टिंग इन द न्यूबॉर्न एंड प्रिवेंटिंग द एक्सेसिव क्राइंग बाई द बेबी। तो जो हमारा इसमें करेक्ट आंसर है वो बी, मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव एंड कंटिन्यूस लैक्टेशन। तो बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वैक्सीनेशन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, रूबेला एंड वेरिसेला। तो ये तीनों जो हैं वो लाइव वैक्सीन है। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है इन्फ्लुएंजा। लाइव वैक्सीन को हम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी नहीं देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से है, द सेनाइल सर्वाइलेंस इज डन फॉर आइडेंटिफाई कैरी इंडेक्स केस, सब क्लिनिकल केसेस एंड मिस्ड केसेस। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मिक्स्ड केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ ड्यूल रिकॉर्ड सिस्टम? अ डिजीज रजिस्टर्ड, एपिडेमियोलॉजिकल सर्वाइलेंस, रिकॉर्ड लिंकेज एंड सिस्टम एंड द सैम्पल रजिस्टर्ड सिंपल सिस्टम। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सैम्पल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द हेल्थ फंक्शनरी मेजोरली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू प्रोवाइड द आर एस सी सर्विसेज इज हेल्थ वर्कर फीमेल, हेल्थ असिस्टेंट फीमेल, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड हेल्थ असिस्टेंट मेल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए, हेल्थ वर्कर फीमेल इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच अबॉर्शन कैन बी डन वेयर देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क ऑफ द चाइल्ड बीइंग बॉर्न विद अ सीरियस हैंडीकैप इज नोन एज ह्यूमेटेरियन, सोशियो इकोनॉमिक, मेडिकल एंड यूजेनिक। तो जो इसमें हमारा करेक्ट आंसर है वो यूजेनिक इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एक्टिविटी ऑफ द प्री डिजास्टर फेज, मिटिगेशन, रिलाइव, रिकवरी एंड रीबिल्डिंग। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ए, मिटिगेशन इज अ करेक्ट आंसर। सो ए इज अ यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच स्टैंडर्डाइज टूल इज यूज टू असेस द फंक्शनल एबिलिटी ऑफ द एल्डरली। जीडियाटिक डिप्रेशन स्केल, कॉम्बरवेल असेसमेंट स्केल एंड टाउनसेंड स्केल एंड लॉटन इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी ऑफ द डेली लिविंग। तो जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू क्रॉस कटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टिव एजिंग। कल्चर एंड जेंडर, फैसिलिटी फॉर हेल्थ प्रमोशन, फैमिली सपोर्ट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है कल्चर एंड जेंडर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कम्युनिटी हेल्थ नर्स रीडर केयर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट एम्बुलेंस, ट्रांसपोर्ट, स्कूल एंड होम। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ट्रांसपोर्ट, बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉजेज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी इन न्यू बर्न। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, हाइपर बिलिरुबिमिया, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस एंड न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ ए इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द थेरापेटिक हाइपोथर्मिया इज अ प्लांट फॉर द न्यू बर्न विद हाइपोक्सिमिक इस्थमिक इंसिफेलोपैथी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन बाई द नर्स इज करेक्ट। कूल इन्फेंट विद इन 10 आवर ऑफ बर्थ, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 33.5 से 34.5 डिग्री सेल्सियस, रीवॉर्म स्लोली ओवर द नेक्स्ट 48 आवर एंड मेंटेन कूलिंग फॉर द 48 आवर विदाउट इंटरप्शन। तो जो हमारे यहाँ पे वी है वो करेक्ट आंसर है, मेंटेन बॉडी टेम्परेचर बिटवीन 33.5 से 34.5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, फॉर न्यूनेटल रेसुसिटेशन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेशन फॉर वेंटिलेशन। 1:3, 3:1, 15:2 एंड 1:2। तो जो हमारा यहाँ पे बी है वो करेक्ट आंसर है, न्यूवॉर्म के लिए 3:1 यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लिनिकल डेफिनेशन ऑफ एपनिया। फर्स्ट ऑप्शन है पॉज इन ब्रीदिंग ऑफ मोर देन 20 सेकेंड एंड एसोसिएटेड विद ब्रेडिपनिया और साइनोसिस। बी है पॉज इन ब्रीदिंग ऑफ मोर देन 20 सेकेंड एंड एसोसिएटेड विद ब्रेडिकार्डिया और साइनोसिस। सी है पॉज इन ब्रीदिंग और मोर देन 30 सेकेंड एंड एसोसिएटेड विद ब्रेडिकार्डिया। एंड डी है पॉज इन ब्रीदिंग ऑफ मोर देन 30 सेकेंड एंड एसोसिएटेड विद साइनोसिस। तो जो हमारे यहाँ पे बी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ मदर कंप्लेनिंग टू अ नर्स दैट हर बेबी ऑफ्टन अपीयर पेल, इरिटेबल एंड हैज़ अ एबनॉर्मल स्वेटिंग व्हाइल बीइंग फेड। व्हाइल चेकिंग द पल्स द नर्स आइडेंटिफाई दैट द फ्यूमरल पल्स इज वीक एंड दैट देयर इज अ डिफरेंस इन सैचुरेशन एट द अपर एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड द नर्स सस्पेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस अट्रियोसिस एंड कॉर्प्टेशन ऑफ अरोटा। तो जो हमारा यहाँ पे डी है वो करेक्ट आंसर है, कॉर्प्टेशन ऑफ अरोटा इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिससिटेशन इक्विपमेंट फॉर द न्यूनेटल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट म्यूकोनियम एस्पिरेटर, लैरिंगोस्कोप विद स्ट्रेट ब्लड 0 एंड 1, सक्शन कैथेटर 10-12 फ्रेंच, ईटी ट्यूब 2.5 से 4.4 mm, एंड डी है सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग 1600 ml। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द एडिक्वेसी ऑफ द ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी असेस्ड बेस्ट थ्रू इकोकार्डियोग्राफी, सीटी स्कैन, टाइडल वॉल्यूम एंड एबीजी एनालिसिस। तो जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग बॉडी सरफेस एरिया।
स्क्वायर फुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेट इन केजी एंड द हाइट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3600. द स्क्वायर फुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी वेट इन केजी एंड द वेट इन सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1200. द स्क्वायर फुट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द वेट इन केजी एंड द ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाई 3600. द स्क्वायर फुट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वेट इन केजी एंड द हाइट इन मीटर डिवाइडेड बाई 3600. तो जो हमारा ए है आंसर इज अ करेक्ट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन कैरेक्टरिस्टिक मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम. हाइपर एल्बुमिनिया, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडिमिया एंड प्रोटीन्यूरिया. तो जो हमारे यहाँ पे ए है वो करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज रिलीज व्हेन द पर्सन डेवलप एन एलर्जिक रिएक्शन टू इंजेक्शन पेनिसिलिन फॉर द फर्स्ट टाइम. IgM, IgE, IgG, IgA. तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है IgE. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाइल कलेक्टिंग हिस्ट्री अ नर्स आस्क द डिसेबल एल्डरली फीमेल डज एनीवन प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग अ व्हीलचेयर. द नर्स इज ट्राइंग टू असेस स्ट्रेस इन कोपिंग स्ट्रेटजी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी एंड रिस्क ऑफ अब्यूज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट. तो जो हमारे यहाँ पे सी है वो करेक्ट आंसर है रिस्क ऑफ अब्यूज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू द फीको ओरल रूट. हीपेटाइटिस सी वायरस, हीपेटाइटिस बी वायरस, हीपेटाइटिस डी वायरस एंड हीपेटाइटिस ई वायरस. तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हीपेटाइटिस ई वायरस. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर डिवाइडेड इन ह्यूमरल इम्यूनिटी. नेचुरल सेल किलर, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजिस एंड बी लिम्फोसाइट. तो जो हमारे यहाँ पे बी है लिम्फोसाइट इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज इज ऑल्सो नोन एज अ क्रोनिक हेरिडिटरी नेफ्राइटिस. मेडुलरी सिस्टिक डिजीज, एमाइलोडोसिस एंड अल्पोर्ट सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज. तो हमारा जो यहाँ पे सी इज अ करेक्ट आंसर, अल्पोर्ट सिंड्रोम इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन प्लूरल स्पेस. न्यूमोथोरैक्स, हिमोप्टाइसिस, हिमोथोरैक्स एंड पायोनेफ्रोथोरैक्स. तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है हिमोथोरैक्स इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया. फीमेल एडल्सेंट, माल न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड एंड ओबेसिटी. तो ऑफकोर्स ओबेसिटी इज अ करेक्ट आंसर, डी इज अ करेक्ट. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड इन्वायरमेंटल हाइजीन से. वॉट इज अ सैनिटेशन बैरियर. वॉशिंग हैंड आफ्टर डेफिकेशन, सेग्रीगेशन ऑफ द एक्सक्रीटा बाय यूजिंग अ लैट्रिन, इंक्लोजर विल टू सैनिटेशन वेल एंड वेयरिंग ग्लव्स वाइल हैंडलिंग वेस्ट. तो जो हमारे यहाँ पे बी है वो करेक्ट आंसर है सेग्रीगेशन ऑफ द एक्सक्रीटा बाय यूजिंग द लैट्रिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिपोर्ट टाइटल एजेंडा फॉर चेंज ऑन द सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल हेल्थ हैज़ बीन पब्लिश बाय रशिया कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ, यूके कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ, चाइना कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड ब्राज़ील कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल हेल्थ. तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर, यूके कमीशन ऑन द इन्वायरमेंटल हेल्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन लॉस इन एवरेज इंडियन मेंस्ट्रुएशन वुमेन पर 28-day साइकिल इज अबाउट 12.5 mg, 1.25 mg, 1.25 mg एंड 12.5 mg. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए 12.5 mg इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एट द कम्युनिटी लेवल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैन बी कम्प्लीस्ट थ्रू द फर्स्ट लाइन ऑफ इंटरवेंशन विच. हैंड वॉशिंग, वेयरिंग ग्लव्स, वेयरिंग मास्क एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेयरिंग ग्लव्स. तो जो हमारा फर्स्ट आंसर है हैंड वॉशिंग इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ हीट स्ट्रेस फ्रॉम द फॉलोइंग.
हीट एग्जॉस्टेशन, हीट हाइपरप्लेस हाइपरप्रैगरेक्सिया, हीट स्ट्रोक एंड हीट सेनेकोप। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है हीट स्ट्रोक इज अ सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द फ्लोरीन इज स्टोर इन मसल्स, एडिपोज टिश्यू, हेयर फॉलिकल्स एंड बोन। तो जो हमारा डी है वो करेक्ट आंसर है, बोन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एब्डोमिनल फैट अकुमुलेशन इंडिकेटेड बाई अ वेस्ट हिप रेशियो ऑफ मोर देन 1.5 इन मेन एंड मोर देन 0.85 इन वोमेन, मोर देन 1.0 इन मेन एंड मोर देन 0.85 इन वोमेन, मोर देन 0.85 इन मेन एंड मोर देन 0.5 इन वोमेन एंड मोर देन 1.0 इन मेन एंड मोर देन 1.0 इन अ वोमेन। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी, मोर देन 1 इन अ मैन एंड मोर देन 0.85 इन अ वोमेन। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डिटैक्टिक्स मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ वर्बल कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन एंड टू वे कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, वन वे कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डिटैक्टिक। नेक्स्ट हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग से है, अकॉर्डिंग टू द थियरी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिलेशंस बाय द मार्गरेट महलर, विच इज अ सब फेज वेयर इन इंडिविजुअल विद द बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी इज शोर टू बी फिक्स्ड, डिफ्रेंसिएशन, कंसोलिडेशन, प्रोक्स्टिंग एंड द रेप्रोचमेंट। तो जो हमारा यहाँ पे डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ चाइल्डहुड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई द कोर सिम्टम ऑफ इम्पेयरमेंट इन रेसिप्रोकल सोशल इंट्रैक्शन, इम्पेयरमेंट इन वर्बल एंड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव एंड द स्टीरियोटाइप पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड द इंटरेस्टेड आर कॉल्ड माइक्रोसिफैली, एस्पर सिंड्रोम एंड ऑटिज्म एंड रेट सिंड्रोम। तो हमारा जो यहाँ पे सी है वो करेक्ट आंसर है, ऑटिज्म इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द क्लाइंट सफर फ्रॉम द करसकॉफ सिंड्रोम एसोसिएटेड विद वर्निक्स इंसेफेलोपैथी, द नर्स एजुकेट द फैमिली मेम्बर अबाउट द डिजीज, विच स्टेटमेंट कन्वे फैमिली नीड मोर एजुकेशन, कन्फ्यूजन एंड एबनॉर्मल आई मूवमेंट आर कॉमन, मोस्ट ऑफ द सीवियर एमनेशिया सिम्टम कैन बी ट्रीटेड विद ट्रीट लाइक कन्फ्यूजन, लैक ऑफ इनिशिएटिव पर्सनैलिटी चेंजेज आर एक्सपेक्टेड, थायमिन मे बी प्रिवेंट द एडिशनल एमनेटिक सिंड्रोम। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज डिफाइंड एज द टोटल इमोशनल एंड द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, एन इमोशनल प्लांटेड एंड इम्पेयरमेंट इन अ थॉट प्रोसेस, द एंड्यूरिंग पैटर्न ऑफ परसीविंग द रिलेटिंग टू एंड थिंकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल वन सेल्फ, अ फंक्शन इम्पेयर अकरिंग इन रिस्पॉन्स टू द पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द चाइल्ड इज सस्पेक्टेड टू स्टैंड अलोन बाई एज ऑफ 12 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ एंड 2 ईयर्स। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वहाँ पे है ए, ट्वेल्व मंथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साइन एंड सिम्टम ऑफ ओसीडी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट रेसिड्यूअल बिहेवियर एंड द फीलिंग गिल्ट, ऑब्सेसिव थॉट्स एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो थॉट ब्रॉडकास्टिंग, जो कि मेनली इसकी जो फ्रीनिया के कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट अ नर्स शुड कीप इन माइंड वाइल प्लानिंग फॉर अ केयर ऑफ द चाइल्ड विद इम्पेयर्ड इंटेलिजेंस, असेस द प्रिंटिंग स्टाइल एंड असेस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी, असेस द पेरेंटिंग स्किल एंड कलेक्ट द पेरिनेटल हिस्ट्री। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह असेस द चाइल्ड स्ट्रेंथ एंड द एबिलिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द साइकोडायनेमिक थियरी कनेक्टेड विथ सोमैटिक डिसऑर्डर इज इनकरेक्ट,
इंडिविजुअल विथ सोमैटिक रिलेटेड डिसऑर्डर मे हैव अ हाइटेंड सेंसिटिव टू बॉडली सेंसेशन सेकेंडरी गेन प्रोडक्ट प्रोड्यूस एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड सोमैटिक सिम्टम प्रेजेंट एंड द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अनकॉन्शियस इमोशन इशू एंड द प्राइमरी अगेन प्रोड्यूस इंटरनल मोटिवेशन. तो जो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है वो ए. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है न्यूट्रिशन से. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द न्यूट्रिशनल एजुकेशन. कुक लो कास्ट फूड विद कॉमोडिटीज अवेलेबिलिटी लोकली. इंडिजिनस फूड आर लेस न्यूट्रिशन दैन द स्टोर ब्रॉड फूड्स एंड फॉलो गुड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस सैनिटेशन एंड हाइजीन. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्स्ट 6 मंथ. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बी. तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड डेली डाइटरी इनटेक ऑफ विटामिन ई. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 50 mg. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ फूड टू बी इंक्लूडेड बाई अ डायबिटिक पेशेंट. वर्फिक्स पास्ट्रेस क्लियर सूप कैंडी. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है क्लियर सूप. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए एंटी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी एंड द प्रिवेंट कॉलन एंड द स्टोमक कैंसर. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ग्रीन टी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज रीडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन. विटामिन के विटामिन सी विटामिन ए एंड विटामिन ई. तो हमारा जो बी एंड सी विटामिन होता है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है. तो जो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है वो है सी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमन मेथड टू प्रोवाइड अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. बॉडी मास इंडेक्स मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस स्ट्राइक स्किन फोल्ड थिकनेस एंड द फैट फ्री मास इंडेक्स. तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है बॉडी मास इंडेक्स. BMI इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफर्ड टाइप ऑफ द डाइट फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द ओबेसिटी. ब्लैंड डाइट हाई फाइबर डाइट लो कैलोरी डाइट एंड द हाई प्रोटीन डाइट. तो जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो सी लो कैलोरी डाइट इज अ करेक्ट आंसर. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द कंजक्शन ऑफ द कैल्शियम रिकमेंडेड इन पर्सन विद द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन. रिड्यूस द ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज यूरिनरी ऑक्सलेट लेवल प्रमोट द ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन एंड कंट्रोल यूरिक एसिड लेवल. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो ए रिड्यूस द ऑक्सलेट एब्जॉर्प्शन. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट एड से है A 12-year-old child report pain and localized swelling because of the honey bee's bite. What is the appropriate initial action that the nurse should perform? Arrange for the TT, wash the wound area with the soap and water, apply cold compression and give the anti-inflammatory medicine. So, jo hamare yahan pe correct answer hai, wo hai B. Wash the wound area with the soap and water. Next hamara question hai. The injury to the ligament and the joint capsule is called trauma, sprain, cut injury and the strain. जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो बी sprain is the correct answer. Next question है what is the most important area for nursing in case of burn management? Care control supervision, care control rehabilitation, care control prognosis, care control improvement. Correct answer है बी care control rehabilitation. Next question है which of the following is a task for the reorientation phases in the nurse patient relationship? Identification of the patient problem, selection of the appropriate intervention, exploring alternate behavior and termination of the professional help. यहाँ पे जो हमारा correct answer है वो है identification of the patient problem is a correct answer. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स शुड बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट एड किट फॉर द केयरिंग ऑफ द पेशेंट विद इन
आई इंजरी, आई सिल्ड विद अ मार्क्स एंड नैपकिन, आई पैड प्रोटेक्टिव, आई सिल्ड, आई बैंडेज एंड ड्रेसिंग मटेरियल एंड द हैंड सैनिटाइजिंग और सॉप, आई कैप मार्क्स एंड गगल्स एंड नैपकिन, आई कैप मार्क्स एंड आई सिल्ड। तो जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एन एल्डरली मैन इज एजवाइड ए न्यू एंटी डायबिटिक मेडिकेशन एंड इन अ टीचिंग द एल्डरली मैन अबाउट द मेडिकेशन द नर्स शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन वन सीटिंग, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ स्लो पेस एंड इंफॉर्मेशन लाउडली एंड इंफॉर्मेशन क्विकली। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स मेक अ मंथली इवेल्यूएशन ऑफ द नंबर ऑफ द पेशेंट विद डिलेड डिस्चार्ज ड्यू टू इन्फेक्शन पोस्ट देयर एब्डोमिनल सर्जरी, दिस फॉल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द इवेल्यूएशन, नर्स ऑडिट, स्ट्रक्चरल इवेल्यूएशन, आउटकम इवेल्यूएशन एंड प्रोसेस इवेल्यूएशन। करेक्ट आंसर है आउटकम इवेल्यूएशन इज अ करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमारा जो सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ पर्सन मेट विद एक्सीडेंट एंड इज एन अनकॉन्शियस स्टेट, विच टाइप ऑफ एडमिशन वुड यू रिकमेंड, इमरजेंसी एडमिशन, डायग्नोस्टिक एडमिशन एंड रूटीन एडमिशन एंड थेरापूटिक एडमिशन। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है एडमिशन, इमरजेंसी एडमिशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल आर द मोर वाइडली डिस्पर इन अ लूज कनेक्टिव टिश्यू, मैक्रोफेजेस, मास सेल, ल्यूकोसाइट एंड फाइब्रोब्लास्ट। जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है फाइब्रोब्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोजेक्शन ऑफ द कॉर्टेक्स सीन इन बिटवीन द रीनल पिरामिड। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है रीनल कॉलम इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वॉट इज द बेसिक फिजिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जीन, एलील एंड स्पेलिकोसोम एंड क्रोमोसोम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो है जीन, ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, येलो। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल प्रोड्यूस अ हीपेरिन टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड, मास सेल, फैट सेल, रेटिकुलर सेल एंड इलास्टिक सेल। हमारा करेक्ट आंसर है वो है मास्ट सेल, ये इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, कॉलन कैंसर, हंटिंगटन डिजीज, मार्फन सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंटीबायोटिक सबस्टांस इज प्रोड्यूस बाय द स्वीट सिक्रेटेड फ्रॉम द एक्सक्रीटेड फ्रॉम द स्वीट्स ग्लैंड टू डिटर्म माइक्रोव्स फ्रॉम ओवर कॉलोनाइजिंग द स्किन सर्फेस, मेटिसिलीन, क्यूनोलोन, डेसिफसील एंड डर्मिसिडीन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लैरिंजियल नर्व इज ब्रांच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व, वैगस नर्व, फेसियल नर्व, ट्राइजमैनल नर्व एंड एब्डुसेंट नर्व। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है वैगस नर्व, जो कि हमारा 10th क्रैनियल नर्व होती है। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फसाइज दैट हेल्थ इज अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी इज अ साउंड फैमिली इज अ साउंड एनवायरमेंट इज अ फिजिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डी, इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन NABH हॉस्पिटल द स्टैंडर्ड ऑफ द एक्सीलेंस ऑफ प्रोवाइडिंग द नर्सिंग केयर टू द पेशेंट एंड कॉन्सोरेंस विद द क्लिनिकल प्रोटोकॉल इज अचीव थ्रू द नर्स हु इज एम्पावर्ड टू मेक द पेशेंट केयर डिसीजन विद their score of practice, organization implement equity based staffing to improve the patient outcome, care provided
बाय अ नर्स एंड डॉक्यूमेंट इन अ पेशेंट रिकॉर्डेड नर्स केयर प्रोवाइडेड टू पेशेंट इज रिकॉर्डेंस विद अ रिटन गाइडेंस। जो हमारा करेक्ट आंसर है वहाँ पे बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ऑन द जॉब मेथड ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट, जॉब रोटेशन, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, रोल प्ले। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह जॉब रोटेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन एक्सेप्ट माइक्रो मैनेजिंग, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड असेसमेंट ऑफ असाइनमेंट ऑफ वर्क। तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड अट्रैक्टिंग द कैपेबल कैंडिडेट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ICU द मोस्ट ऑफ्टन एम्प्लॉयड मॉडल ऑफ केयर इज अ प्राइमरी नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, टोटल पेशेंट केयर एंड टीम नर्सिंग। जो करेक्ट आंसर है वो है टोटल पेशेंट केयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एक्शन प्लान बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द मैनेजमेंट ऑफ प्लान, स्ट्रेटजी प्लान, ऑपरेशनल प्लान एंड बिजनेस प्लान। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है स्ट्रेटजी प्लान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इट रिफर टू असेस द नर्सिंग केयर बाय एग्जामिंग द रिकॉर्ड एंड चार्ट ऑफ डिस्चार्ज्ड पेशेंट, रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, जनरल ऑडिट, नर्सिंग मैनेजमेंट ऑडिट। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है रेट्रोस्पेक्टिव ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिगार्डिंग है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन था, वृंदा ने एक उत्पाद बनाने के लिए एक निश्चित कीमत पर कच्चा माल खरीदा, हालांकि श्रमिकों की कमी के कारण कच्चे माल का 20% प्रयोग में नहीं किया जा सका और वो बर्बाद हो गया। वास्तव में प्रयोग किए गए कच्चे माल की लागत का 75% निर्माण की लागत के रूप में जोड़ा गया था। यदि वृंदा अपने पूरे उत्पादन को 20 की उस कुल राशि पर बेच सकती जो खरीदे गए कच्चे माल की कुल लागत का 2 गुना था, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या था? 24%, 25%, 20% एंड 30%। जो करेक्ट आंसर है वो है 20%। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेना, इस टाइम पे मैं बस उसके आंसर को ही बस दे रही हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव जाता है राज्य की विधानसभा की मनोनीत सदस्यों द्वारा, एक निर्वाचित मंडल के सदस्यों द्वारा, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एंड सीधे लोगों द्वारा। करेक्ट आंसर है बी, लोकसभा निर्वाचित मंडल के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिलेटेड विद द क्वालिटी ऑफ इमेज ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, सेम टाइम रिसोल्यूशन ऑफ स्क्रीन, रूट पिच एंड रिफ्रेश रेट। करेक्ट आंसर ए, सीक टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज 45% ऑफ 25% ऑफ 1000, 120.8, 112.5, 113.5, 108.57। तो करेक्ट आंसर है 112.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिचुएशन इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट वेयर द प्रोसेस वेट endlessly for a resource and the requested resource is being used for another process that is waiting for the same or the resonance is called round robin, first come first serve, circulation chaining and the deadlock. Correct answer hai deadlock. Next question hai, a signal hardware chip contain all of the necessary circuit and need to perform the core activity of the computer is known as transfer memory, OPM tube and the microprocess. Correct answer D. Next question, in a certain code language, a DISCU is written a VQGW
कि हाउ विल द म्यूजिक विल बी रिटन इन दैट द लैंग्वेज. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कीबोर्ड शॉर्टकट इज टू मूव द सर्कल कर्सर वन वर्ल्ड टू द लाइट इन एम एस द वर्ल्ड 2090 डॉक्यूमेंट. जो करेक्ट आंसर है वो है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द टर्न फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द गिवन अल्फा न्यूमेरिकल. तो जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन युद्ध की नई रणनीतियाँ तुलुगमा और अराबा का रावण किया गया था. करेक्ट आंसर है बाबर. नेक्स्ट क्वेश्चन था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को सदस्यता के चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होनी चाहिए. जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह है लोकसभा. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ब्रैकेट में है रूट 3 एंड ब्रैकेट के बाहर है पावर 7 एंड भागा जो है रूट में 3 एंड पावर पे है 5 इज इक्वल टू 3x देन वैल्यू ऑफ x इज. जो हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ मल्टीपल एंड मल्टीपल का अर्थ माइनस एंड माइनस को हम अगर भागा में करते हैं और भागा को प्लस में तो निम्नलिखित व्यंजक का रूप क्या होगा. तो जो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर है वो है 165. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI बेस्ड टच स्क्रीन मॉनिटर इंस्टॉल्ड इन पब्लिक प्लेस एज अ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड इज नोन एज अ. करेक्ट आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन था एक साइकिल चालक 5000 मीटर परिधि की एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर साइकिल चला रहा है. पहले चक्कर में उसकी गति 20 मीटर पर सेकंड रहती है, दूसरे चक्कर में उसकी गति 40 मीटर पर सेकंड हो जाती है. तो दो चक्कर में उसकी भारित औसत गति क्या है. तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड सेल इन एनिमल सेल. जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रोसोम. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री लॉन्च द स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2. जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन था दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं. यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक की 8 मिनट भर जाए. तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वह 3. नेक्स्ट क्वेश्चन था एक परिवार के सभी 6 सदस्य रानी रोनी आकाश नीलम नीरज कविता एम साथ यात्रा कर रहे हैं. रोनी आकाश का पुत्र है, रानी और आकाश शादीशुदा युगल है, नीरज आकाश का भाई है, नीलम रानी की पुत्री है, सविता रोनी की मौसी है. तो रोनी की माँ कौन होगी. तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ए रानी. नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था पी क्यू आर एस टी और यू 8वीं कक्षा के 6 छात्र हैं. पी क्यू से बड़ा है, आर और एस समान वायु के हैं और यू सबसे छोटा है, टी एस से छोटा है, पी टी पी से बड़ा है. कितने छात्र में टी से बड़े हैं. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी. तो ये रहा सीचुक एग्ज़ाम में पूछा गया 100 क्वेश्चन.